साहब जी आपके मेडिसिन। मैं डॉक्टर को फोन करती। नूर से बात करवा दो। मैं करवाती। अच्छा 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 सर, आप तबीयत समझ जाए ना फिर फोन कर लीजिएगा। इस तरह उसने आपकी आवाज सुनी तो पढ़ाई वगैरह सब छोड़कर यहाँ आ जाएगी वापस। बिल्कुल, यू राइट। वो असल में ये हाई ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत मुझी मर्ज है, अल्लाह माफ करे। हाँ तो आप भी तो अपना ख्याल नहीं रखते ना, एहतियात नहीं करते, बस हर वक्त काम 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 काम। जितना करूं कम है, मेरी बेटी को मेरे बाद पैसे की कमी ना हो। खुद को संभाले आपके बगैर नूर, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। गजाला मैं करूंगा वहां ऊपर तुम्हारा और अपनी नूर का इंतजार। नूर बीबी घर चली गई, अब तैमूर अली खान यहां नहीं रुकेगा। मुझे शर्त लगा लो। शर्त लगाना आराम होता है जवारी, मरासी और पोडरी के साथ रह के तुम भी खराब हो गए। जब तुम मजाक को सीरियस लेते हो ना तो जहर लगते हो। हमारा मर्जी के बगैर हमको जुगत लगाएगा तो हम क्या कर लेगा। कुछ भी नहीं, खबर है आ गया एक और डिस इंफॉर्मेशन का मरीज। मैं शाहरुख को भूल चुकी, अब तुम याद आते हो। चाहे जाने के ख्याल में मुब्तला टीना प्यार मोहब्बत इश्क नहीं दगा करेगी। ऐसा शख्स जो अपनी मोहब्बत और नाजुक एहसासात को बाजारी गुफ्तगु बना दे उसे दूर रहना चाहिए। ना क्या करो ऐसी बातें, क्यों और अच्छे लगने लगते हो और ये मैं नहीं चाहती। मुझसे दूर रहो, खुद भाग रही हूँ कहीं दूर, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है बैरी। मैं लेकिन इकरार नहीं करूँगी, मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि तुम मगरूर हो जाओगे और फिर जहर लगोगे। अकेले जहर मत पियो। किस खुशी में? हम बैरी के लिए तड़पते रहे और उसे परी उठा के ले गए। मतलब मेरी ना तुम्हारा रहा ना मेरा। Are you serious? मुझे तो आदत है लेकिन तैमूर साहब ने होश में आते ही सबसे पहले तुमसे बात की थी। आपके सिवा इलेवंस क्लब में हर बंदा अपने दिल की बात हमसे करता है। फजूल बातें मत करो खान, ये बताओ कि उन्होंने तुम्हें क्या कहा था। ये हम नहीं बता सकते। क्यों? कौमी राज है। What? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तैमूर साहब की जाती बात कौमी राज कब से हो गई? असास लोग एक कौम है, उनके दिल का बात एक राज है, इसलिए। अब मत बोलना खान वरना तुम्हारा भी साइको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये क्या होता है? दिमागी तज्जिया। अच्छा ना कर, समझ वो सही कर गई है भाई। नफरत है मुझे तुमसे, भूल जाओ मुझे, मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और कल जो मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, ना कोई बेच रहा है मुझे ना कोई खरीद रहा है। अगर तुमने कोई जबरदस्ती की है, बीच में आने की कोशिश की तो गला दबा के सिर्फ पागलखाने में दफन कर दूंगा तुम्हें। कोई दुखी और रोमांटिक ना सुना देना, इमोशनल नज़म सुनाओ, जज्बा आए, खून गरम हो।
हेलो पुलिस, क्या कर रहे हो? पुलिस का है काम मदद आपकी, आप भी ताउन कीजिए। अब बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जुरा, यहाँ पर सेशन होना है, उठो और चलो मेरे साथ प्लीज। नहीं जाऊंगा। जुरे, 11th क्लब का स्टाफ कितनी खुश इखलाकी से तुमसे बात कर रहा है, लेकिन तुम नहीं सुधरे। मास्टर जी बताए से उठाए यहाँ से, चलो चलो मेरे साथ आ जाओ। चलो उठो। मैं नहीं जाना। मैं भी नहीं जाऊंगा। जुरे, तुम्हें पता है कि यहां अंदर खाते क्या चल रहा है? मैंने दूसरों की कमजोरियों पर नजर रखना छोड़ दिया है मास्टर। तुम पर भी नूर का असर हो गया है। इस पर हमारा रंग चढ़ गया। ला हौल वला कुव्वत खान, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया है मुझ पर। इधर तक ना, सही कह रहे। छोड़ो मड़ा, तुम दोनों को डॉक्टर परी बुला रहे। जाओ जाके कह दो हम नहीं आ सकते, मसरूफ हैं, अभी मुझे स्कूल का राउंड भी करना है। मास्टर जी आपने हिसाब किताब की क्लास भी तो लेनी है, बताओ इसे बिजी हैं हम। हाँ अभी तो हिसाब की क्लास भी लेनी है, जाके कह दो हम फ्री नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पहले कच्चा पक्का था, अब पक्का हो गया कि तुम में से कोई भी ना पागल है ना ही नफ्सियाती है। तो फिर हम पहले पागल खाने और फिर वहां से यहाँ 11th क्लब क्यों आए? हाँ क्यों? अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए, हमारा कंपनी एंजॉय करने के लिए। लाहौल वाला और किस लिए, हमको नहीं पता है। तुम लोग ठीक हो जाओ। तुम भी ठीक हो जाओ। क्यों, हमारा टोकन शॉट है? ये रहो। तो तुम्हारी तारें शॉट हैं, टोकन शॉट है। चल जुरे, कोई नजम सुना दे खून गरमा देने वाली। चल। उसके लिए तो किताब दूसरी लानी पड़ेगी। मास्टर जी आप बैठो, मैं लेके आता हूं। खुद ही पढ़ लेता हूं। आप बताओ फिर क्या करें? दिमाग खराब कर दिया। जीना हराम कर दिया उसने। किसने? है कोई। कौन है? खान। और कौन? ये अपना बड़बोला, अपना खान। हाँ तो और क्या, हर बात में हर मामले में घुसा रहता है बंदा। उससे पूछे तू मामा लगता है। मुझे भी बड़ा तंग कर रखा है, सवाल पे सवाल। तुम सबसे ज्यादा तंग मैं उस खराफाती खान से। तेरा तो बनता भी है बेटे। और हल हम में से किसी एक के पास भी नहीं। वो मसला ही क्या जिसका कोई हल ना हो? मतलब? मैं हेड मास्टर हूँ, मेरे पास हर मसले का हल एक मिनट में हल हो जाता है। वो कैसे? सर जोड़ो। नहीं नहीं, जुए चली जाएंगी। तुम्हारे पास तो जुओं का घर भी नहीं है। सर लो। बिल्कुल ऐसा ही होगा मास्टर। कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? जैसा भी होगा खुद देख लेना। 22 अप्रैल से अब देखिए पागलखाना, पीर और मंगल, रात 9 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।